ग्यारह बजे सबके कानों में, ऑफिस में भी साथ, घर में भी साथ, ट्रैफिक में भी साथ, फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स की। घड़ी मिला लीजिए, 12:05 हो गया है टाइम। शो का नाम है फ्रेंड संडे फंडे। देखते देखते एक घंटा जो है वो खत्म हो चुका है, दूसरा घंटा ऑन है, तीसरा घंटा ऑन द वे है। और इस घंटे की शुरुआत में ही आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल लाइव इस वक्त ऑन एयर तो हूं, साथ ही साथ फ्रेंड्स एफएम के फेसबुक पेज पर भी इस वक्त मैं बिल्कुल लाइव हूं। और हमारी स्पेशल गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ये हमारे साथ इस वक्त है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड नीलू जैन, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और उनके साथ आज हमारी ढेर सारी बातें होने वाली है। फ्रेंड्स एफएम पर चल रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना इस वक्त बहुत जरूरी है मेंटली एंड फिजिकली। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होगी जो आपको पॉजिटिव रास्ते पर ले जाए, ये देखने के लिए सुनने के लिए फ्रेंड्स एफएम के फेसबुक पेज पर इस वक्त जुड़ जाएंगे। आने वाला है आप सभी के लिए बैक टू बैक चार चार गाने, यानी इस घंटे का फ्रेंड्स ऑसम फोरसम। ओके वेलकम वेलकम नीलू, हाय कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच अनिवेश जी, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। आई एम सो ग्लैड एंड बहुत बहुत खुश हूं टू बी विद 91.9 फ्रेंड्स एफएम। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। और जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि और पब्लिक डिमांड है आपको, जब पिछले बार हमने पाया था जब लॉकडाउन 1 चल रहा था वेस्ट बंगाल में, और आपको जब हमने पाया था तो बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आए थे। इसीलिए एक बार हमारे साथ जुड़ रही हैं नीलू जैन, जुड़ चुकी हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, साथ ही साथ एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, स्पीकर हैं, साथ ही साथ लीडरशिप ट्रेनर हैं, इंडियन अचीवर अवार्ड विनर हैं, जो 13 साल का उनका 13 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, और उन्होंने 3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज को ट्रेन किया है पैन इंडिया। बहुत बहुत बधाई आपको नीलू, और मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है क्योंकि आज आप हमारे साथ जुड़ी हैं। नीलू चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अभी जो वक्त जा रहा है, एक ऐसा समय है जब हमें मेंटली एंड फिजिकली बहुत पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। नॉर्मली आपने जब लोगों से बातें की है, एम्प्लॉयज को आपने ट्रेन किया है, तो एक ग्रुप को आपने ट्रेन किया है, लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक ही नाव पे सवार है, यानी कि सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि कैसे हम अपने आप को ठीक रखें और कैसे हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो सही रहेगा कि नहीं, ये सब लेकर हम बहुत परेशान है, हेल्थ लेके परेशान है, वेल्थ लेके परेशान है। तो नीलू मैम मैं चाहूंगा कि आप ही शुरुआत करें, आप मैं खुद भी सुनना चाहूंगा, दर्शक भी सुनना चाहेंगे, हम सब मोटिवेट होना चाहेंगे, प्लीज मैम बोलिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनिवेश जी वंस अगेन, एंड सारे लिसनर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आप सब सेफ हैं अपने अपने घरों में, एंड आपके सारे परिवार वाले भी सेफ हैं। ऑफ कोर्स ये एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है जहां पूरे लाइक द होल यूनिवर्स इज इंपैक्टेड हर जगह, एंड स्पेशली हमारे अपने देश में, हमारे भारत में बहुत सारी क्राइसिस का टाइम है। जो मैं आज बात करने वाली हूँ अनिमेश जी, दैट इज प्योरली बेसिस ऑन मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट सरफेस पे कि मोटिवेशन कैसे आएगा, बट क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, हमारे खुद के साथ हो चुका है या हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ ये क्राइसिस की सिचुएशन हो चुकी है, तो मेरा जब मैंने बहुत सारे अलग अलग लोगों से भी बात की, मैंने कुछ चीजें ऐसी ऑब्जर्व की हैं जो कि सबको हेल्प कर सकती हैं, एंड मैंने सोचा वही सारी चीजों के बारे में बात करूंगी। तो 3 कैटेगरीज के लोगों के बारे में अगर हम बात करें, 1 इज पीपल हु आर एक्चुअली इन्फेक्टेड, जो अभी एक्टिवली इन्फेक्टेड है। 2nd कैटेगरी ऑफ पीपल आर उनके रिश्तेदार और देयर फैमिली मेंबर्स, जो उनके साथ साथ दे आर गोइंग थ्रू द सिमिलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। और 3rd हैं जो कि क्योर हो चुके हैं या फिर अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, और वो एंग्जाइटी लेवल अभी भी है क्योंकि इतनी न्यूज, इतना कुछ सुनाई देता है। सो फॉर ऑल 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल कुछ लिटिल बिट ऑफ टिप्स, कुछ एडवाइसेस हैं। पहली कैटेगरी ऑफ पीपल जो इन्फेक्टेड है, वो एक्चुअली उस स्ट्रेस में जी रहे हैं, या तो वो आइसोलेशन में है या फिर वो यू नो हॉस्पिटल में है, रिकवर मोड पे है। अपने आप को उस टाइम पे मेंटली स्ट्रांग रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
बिकॉज जैसे हम न्यूज देखेंगे, जैसे आसपास वालों को देखेंगे, उतना ज्यादा हम डिमोटिवेटेड होना शुरू कर जाएंगे. वन थिंग दैट हैज रियली वर्क्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल जो इन्फेक्टेड थे, वो अपने आप को सक्सेस विजुअलाइज करते हैं कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी मैं क्या करना चाहूंगा. यू नो, जैसे हम वो सोचना शुरू कर देते हैं, हमारी बॉडी स्टार्ट्स वर्किंग इन अ पॉजिटिव मैनर. हम सोचना शुरू कर देते हैं, हम एक्टिव होना शुरू कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ अपने आप को और नेगेटिवली धकेलना. सो दैट इज समथिंग दैट हैज वर्क्ड एंड दिस इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग विद यू. सक्सेस विजुअलाइजेशन की मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं क्या करना चाहूंगी. बाकी लोगों के लिए जो इन्फेक्टेड थे, ठीक हो चुके हैं, या फिर यू नो उनके रिश्तेदार, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज आप अपने आप का स्ट्रेस आइडेंटिफाई करिए. बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग फोन करते हैं, क्या हाल है, कैसे हैं, बार बार जब वो रिपीट करना पड़ता है, समवेयर हम भी उस मेंटल यू नो स्टेट में घुसते जाते हैं, दैट नेगेटिव थॉट्स. तो आप अपने स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करिए, आपको क्या ट्रिगर कर रहा है. कुछ तो बटन होगा जिसको प्रेस करते ही आपका यू नो एंग्जाइटी लेवल ऑन हो जा रहा है, उस बटन को फाइंड आउट करिए. दूसरा है अपनी नेगेटिविटी, जो आपको नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, उनसे कट ऑफ करिए फॉर सम टाइम. लाइक यू नो स्पेशली लेट्स से न्यूज देखने से और ट्रिगर हो रहा है, एंग्जाइटी लेवल बढ़ रही है, कुछ लोग हैं जो आपको बार बार कुछ कुछ कह रहे हैं जिसके वजह से आप एंग्जियस हो रहे हैं, तो उनसे कट ऑफ करिए. तीसरा टिप है टू रीडायरेक्ट थॉट्स. किसी चीज में जाने की कोशिश करिए जो आपको हेल्प करेगा. फॉर एग्जाम्पल मेडिटेट करिए, कुछ सुनिए, कुछ लिखिए, कुछ पढ़िए, जो आपका इंटरेस्ट है, अपने थॉट्स को रीडायरेक्ट करिए. और द लास्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मेरे साथ पर्सनली काम किया है, हमें हमेशा लगता है अनिमेश जी दैट लोग समझेंगे, पीपल विल अंडरस्टैंड आवर स्टेट ऑफ माइंड, बट अगर लोग समझते तो फिर प्रॉब्लम कभी नहीं होती. तो कभी ना कभी हमें वोकल होके लोगों को बताना पड़ेगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, आई नीड अ ब्रेक, आई नीड टाइम, मुझे थोड़ा वक्त की जरूरत है. तो टिल द टाइम वी डोंट एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, एंड इफ दे नॉट अंडरस्टैंड दे विल कंटिन्यूअसली क्रिएट स्ट्रेस फॉर अस. तो ये चार चीजें मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस की हैं और मैंने सोचा दिस विल रियली बी हेल्पफुल फॉर ऑल आवर लिसनर्स. बिल्कुल आपने सही बात की है, हर एक जो आपने टिप दी है वो सभी बिल्कुल सही है. और हमने भी देखा है कि अगर हम मेंटली इस वक्त फिट रहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो आ रही है, लेकिन हम उसे ठीक से ओवरकम भी कर पाएंगे, ठीक से हम उसे झेल पाएंगे. वैसे आपने नीलू काफी अच्छी एक बात कही कि बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हमारे लाइफ में है, इसको हम लाइट मोड में ही बात करते हैं थोड़ा सा, मैं आपसे भी आपकी राय जानना चाहूंगा, जो फोन करके हमारी प्रॉब्लम्स को और ज्यादा उलझा देते हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे. वो फोन करके ये नहीं कहते हैं कि भाई मैं मदद कर रहा हूँ, कोई जरूरत हो तो बताना, वो उल्टा कहते हो तुम्हें हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, ओहो तब तो ये मेरे चाचा की मामा को हुई थी, उसका 5 दिन ठीक था, फिर 12वें दिन तो ऐसा हो गया, तो 13वां दिन ऐसे हो गया, तो और हमारे प्रॉब्लम्स को और हमें डरा देते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, कुछ कहेंगे उनके लिए. ये सारे रिश्तेदार, हम भी कहीं ना कहीं किसी के रिश्तेदार हैं, तो आई विल जस्ट से कि प्लीज लोगों की प्रॉब्लम्स मत बढ़ाइए और ट्राई करिए उनको सिर्फ सुनने का. उस टाइम पे आपको अपने 2 सेंट्स डालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उनको सुनिए. कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ सुनिए, और अगर कुछ कर सकते हैं तो उनको हौसला दीजिए, बिकॉज होप इज अ वर्ड दैट कीप्स द होल वर्ल्ड टुगेदर. बिल्कुल सही. वो जब तक जब आप किसी के मतलब आप अगर रिश्तेदार हैं और कोई आपका फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में है या कुछ है, उस टाइम पे अगर आपको कोई कंधे पे पैट करके भी बोल दे सब ठीक हो जाएगा, दैट इज मैजिक. तो वो प्लीज करिए, वरना फोन मत करिए. अगर हम बेटर नहीं कर सकते तो वर्स करने की कोशिश मत करिए. बिल्कुल बिल्कुल नीलू, बिल्कुल आपने सही बात की. एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को ठीक से पहचानती है, समझती है, उनके बहुत आप अच्छे अच्छे जवाब भी देती है और उन्हें मोटिवेट भी करती है. मैम हमने देखा है कि इस वक्त 1.5 साल से कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, लोगों को एक दूसरे से बात करना, अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ शेयर करना, जिसे वो सबसे पसंद करता है, जिसके साथ वो शेयर कर सकता है, वैसे लोगों के साथ शेयर करना भी बहुत जरूरी है. तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि लोग इस वक्त लो फील कर रहे हैं, नौकरी की प्रॉब्लम है, बिजनेस का प्रॉब्लम चल रहा है, हेल्थ इश्यू चल रहा है, पैसे कम पड़ रहे हैं, तो किसी एक के साथ बात करना इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यूवर्स जो देख रहे हैं कोई भी अगर मोटिवेट होता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा, प्लीज उनसे कुछ कहते हैं. बिल्कुल अनिमेश जी, यू ब्रॉट अक्रॉस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कम्युनिकेशन ही तो हमें एज अ ह्यूमन बीइंग हेल्प करता है सर्वाइव करने में. अगर हमारे पास हमें एक रूम में बंद, स्पेशली आइसोलेशन में क्या होता है, हम एक रूम में बंद होते हैं, एक फोन है जो हमारा कम से कम सहारा बन जाता है टू कनेक्ट विद पीपल. तो कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हम अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार कर सकते हैं. कुछ ऐसे चंद लोग, मे बी 2-3 पीपल जिनको आप कंप्लीटली बैंक कर सकते हो और आप जानते हो उनसे आप बात करेंगे तो आपकी स्ट्रेस कहीं ना कहीं रिलीफ होगी, वो आपको हौसला देंगे, सपोर्ट करेंगे.
चाहे फिनेंशियली ना कर पाए, कम से कम मेंटली कर पाए. तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें वो करना है कि हमें फाइंड आउट करना है कौन हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम है, उनसे कम्युनिकेट करें इस मोमेंट पे. एंड जो हमें ड्रेन ऑफ करते हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बनाएं फिलहाल के लिए, टिल द टाइम आप वो मेंटली अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर पाए, फिर तो हम फिल्टर कर सकते हैं लोगों को. बिल्कुल सही कहा मैम. मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने भी बताया और मैंने भी थोड़ी देर पहले सबके साथ शेयर किया था, इतने लोगों को आपने मोटिवेट किया है, खास करके एम्प्लॉयज की बातें करें, 3 लाख प्लस एम्प्लॉयज को आपने, पैन इंडिया आपने मोटिवेट किया है, इतने सारे सेशन आपने किए हैं, तो नॉर्मली किस तरह के लोग आपसे सवाल पूछते हैं जब आप उनसे बात करते हैं, उनकी माइंडसेट क्या रहती है, कैसे वो मेंटली वो डिस्टर्ब रहते हैं? एक दो सवाल के जवाब आप खुद ही दें और बताएं कैसे लोग, ज्यादातर किस तरह के सवाल आते हैं आपके पास? राइट. सो अनिमेश जी, इतने सालों के मेरे एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज देखी है, आज हम जिस एज में हैं वो इंफॉर्मेशन एज है. हमें पता तो है कि करना क्या है, मोस्टली हमें सब कुछ पता है. अगर योगा की बात करें तो ऑनलाइन जाएंगे हमें 10 कोर्स मिल जाएंगे, सब पता है. प्रॉब्लम कहाँ होती है? करने में. सो मैं हमेशा ये बात करती हूँ, फ्रॉम नोइंग टू डूइंग. पता तो है लेकिन करना कैसे है, शुरू कैसे करूँ? तो बहुत बार जब भी मेरे पास सवाल आते हैं या लोग कभी कभी कुछ परेशानी शेयर करते हैं, उनको पता होता है क्या करना है बट कहीं ना कहीं वो स्टेप नहीं ले पाते हैं. तो मैं हमेशा उनको एक सलूशन देती हूँ, स्टार्ट स्मॉल. हमारा ब्रेन जो है उसको अगर आप पूरा कैप्चर कर दोगे कि मेरे को 10 चीजें एक साथ करनी है, वो फ्रिक आउट हो जाएगा, नहीं काम करेगा. तो आपको उसको छोटे छोटे हिस्सों में, जैसे अगर मुझे वेट लूज करना है या फिर किसी को कुछ करना है, बिग पिक्चर आप देखो लेकिन उसको छोटे छोटे चीजों में डिवाइड करो. एंड जब वो एक टास्क कंप्लीट हो जाएगी, हमें कहीं ना कहीं वो हौसला मिलेगा दैट यस आई एम एबल टू डू इट. तो ब्रेन उस हिसाब से फंक्शन करना शुरू कर देती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाता है, तो हमें और एनकरेजमेंट मिलती है. तो व्हाट आई सी इज नोइंग से डूइंग का जो फासला होता है वो कहीं ना कहीं बड़ा होते जाता है टिल द टाइम हम अपने स्टेप्स को छोटी छोटी नहीं ब्रेक करते. तो दैट इज समथिंग. एंड ऑफ कोर्स वो इंटरनल मोटिवेशन, क्योंकि वो पर्पस अलाइन नहीं होता है. अगर मैं श्योर ही नहीं हूँ मुझे क्या करना है, मुझे कभी पता ही नहीं होगा कि यू नो व्हेन डू आई स्टार्ट, करना क्या है. तो वो पर्पस जब तक नहीं सही है तब तक आगे नहीं बढ़ पाते. बिल्कुल. सपने जो है वो बड़े देखने चाहिए, लेकिन आपको शुरुआत कहीं से करनी है. वो शुरुआत कहाँ से होगी, ये एक प्रॉब्लम आती है लोगों की. और थैंक्स टू आप लोग जो है, आप लोग इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं हम सबको, जिसके कारण हमारी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी तो सॉल्व हो जाती है. ओके नीलू, मैं जानना चाहूंगा कि बहुत टफ काम है जो आप काम कर रही है, मोटिवेट करना लोगों को बहुत टफ है. ये लगता है कि बहुत ईजी है, कुछ भी बोल दो हो जाएगा, लेकिन नहीं है, बहुत टफ काम है. बहुत रिसर्च किया है आपने, स्टडी किया है, उसके बाद ही आप मोटिवेशनल स्पीकर इतनी अच्छी बनी है. तो मैम, कभी ऐसा होता है कि आप खुद लो फील करती हैं, तो अपने आप को कैसे आप पॉजिटिव रखती हैं मेंटली एंड फिजिकली, क्योंकि हम इंसान हैं, प्रॉब्लम हम सबकी जिंदगी में, कुछ बताइए. बिल्कुल. इनफैक्ट लास्ट 2 वीक्स की यही कहानी अनिमेश जी, मेरे साथ खुद कुछ हो रहा था बिकॉज वन ऑफ माई लव्ड वंस वाज गोइंग थ्रू कोविड. तो काफी सारे यू नो थॉट्स थे दिमाग में, नेगेटिविटी आ रही थी. बहुत बार, नॉट जस्ट कोविड बट बहुत बार ऐसा होता है कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं दिमाग में, और वो कहीं ना कहीं एक स्पाइरल की तरह होता है. एक नेगेटिव थॉट आई तो दूसरी आई तो तीसरी आई. हाउ आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड एंड बहुत सारे दूसरे लोग भी अपने आप को रखते होंगे इज फॉर सम टाइम थोड़ा सा अपने आप को डिस्कनेक्ट करना. क्योंकि लेट्स से अगर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो और मैं उसी टाइम पे और कुछ भी कर रही हूँ, उसका इम्पैक्ट दूसरों के ऊपर आएगा ही आएगा. तो अपने आप को थोड़ा डिस्कनेक्ट करना है, अपने ऊपर काम करना, कॉन्शियस रहना कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है दिमाग में, क्या थॉट्स आ रही है. आपके साथ एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करती हूँ अनिमेश जी, यू कैन डू दिस विथ मी. आप अगर याद करें आपकी बेस्ट ट्रैवल मेमोरी, आप कहाँ गए थे, क्या किया था, फोटोग्राफ कुछ भी अगर आप याद करें, इंस्टेंटली आपके दिमाग में कुछ फ्लैशेस आए होंगे जैसे आ गए. मैं जब भी वैष्णो देवी जाता हूँ तो एक अलग मुझे एनर्जी मिलती है, और जब भी मैं लो फील करता हूँ तो मैं थोड़े से उस ट्रिप के बारे में सोचता हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है. तो वैष्णो देवी मेरा फेवरेट एक डेस्टिनेशन है जहाँ मैं हर साल जाता हूँ. इस साल भी मैं गया था जब लॉकडाउन खुला था, लास्ट ईयर नहीं जा पाया, तो हर साल मैं जाता हूँ. बिल्कुल, कुछ यादें ताजा हो गई जैसे ही आपने पूछा, मुझे याद आ गया, हाँ वैष्णो देवी मेरे लिए रहेगा. एग्जैक्टली. तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे थॉट्स को ना रीडायरेक्ट कर देती हैं. जब हम सोचते हैं अरे ये हो गया, ऐसा हो गया, लाइक स्टडी बताती है हमारे एवरेज ह्यूमन बीइंग के दिमाग में करीबन 60,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में. तो आप सोचो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, हम कैसे घुसते रहते हैं वो नेगेटिविटी में. बट जैसे ही हम कॉन्शियसली अपने दिमाग को रीडायरेक्ट कर देंगे तो हमारे पास वो पावर हो जाती है, वी स्टार्ट कंट्रोलिंग आवर माइंड.
सो जब मुझे नेगेटिविटी फील होती है, पहले तो मैं ट्राई करती हूँ अपने आप को डिस्कनेक्ट करने का, दूसरा अपने ऊपर काम करने का. अगर वो भी काम नहीं आता है तो फिर आपको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत होती है. कुछ ऐसे चंद आपके सपोर्ट सिस्टम वाले दोस्त, फ्रेंड्स, जैसे भी कलीग्स, प्रोफेशनल पीपल, जो आपको आपसे बात कर पाए और आपकी वो वापस आपको यू नो योर मोटिवेशन को वो रिस्टोर कर पाए. हम सबको उसकी जरूरत होती है. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है. इन छोटे छोटे टिप्स को अगर लोग मानेंगे तो उनकी प्रॉब्लम थोड़ी सी थोड़े हद तक तो उनकी सॉल्व हो जाएगी. ओके नीलू, जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे? टफ टाइम जा रहा है हर एक इंसान के लिए, मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है. उनको हर बार हम कोशिश कर रहे हैं कि मोटिवेट रहे, कुछ कहते जाइए क्योंकि जाने का वक्त इस वक्त हो चुका है. कुछ कहना चाहेंगे उन सभी से? बिल्कुल, मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगी, पहली चीज कहना चाहूंगी वो है, आप अपने गार्ड्स को लो मत करिए. चाहे आप इन्फेक्टेड हैं, नहीं है, हो चुका है, जो भी, आप अपने सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल, जो भी आयुष मंत्रालय ने जो भी हमें कहा गया है, प्लीज उसको फॉलो करिए. चाहे नंबर ऑफ केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, बट प्लीज अपने गार्ड्स को लो मत करिए. दैट्स द फर्स्ट थिंग. आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, बट ये एक बेसिक नागरिक की तरह से आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस. नंबर टू इज, अपने थॉट्स के साथ काम करिए. जब तक आप अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे या फिर रीडायरेक्ट नहीं करेंगे, आप कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस लेवल अपने लिए एंड अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए बढ़ाते रहेंगे. जब आप एंशियस हैं तो आप दूसरों के ऊपर पास ऑन करते रहेंगे. एंड तीसरा, जो मैं हमेशा कहती हूँ, यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. अगर आपका अपना कप खाली है तो आप उसमें से पोर नहीं कर पाएंगे. अपने आप को हील करिए. अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं, रीच आउट टू पीपल, टॉक अबाउट इट. मेंटल हेल्थ के बारे में आज पूरी दुनिया बात कर रही है. देयर इज नो प्रॉब्लम, ओपन अप, एक्सप्रेस योरसेल्फ. तो यही तीन चीजें मैं लास्ट में कहना चाहूंगी अनिमेश जी. क्या बात है. फाइनली प्लीज स्टे सेफ. बिल्कुल, थैंक यू सो मच नीलू हमारे साथ बातें करने के लिए. बहुत अच्छा लगा. जब जब आपके साथ बातें होती है हम सब चार्जअप हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं. आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपके साथ इसी तरह से हमारी बातें होती रहेगी. ये रिश्ता जो फ्रेंड्स एफएम के साथ आपका बना है इसी तरह से बरकरार रहे और ढेर सारी बातें आने वाले दिनों में भी हम करते रहें. आप स्वस्थ रहिए, इसी तरह से हम सबको मोटिवेट करते रहिए. थैंक यू सो मच नीलू, टेक केयर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज आपके साथ दोबारा बात करना. थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स. प्लीज अपना ख्याल रखिए, अपने रिश्तेदारों, लव्ड वंस का ख्याल रखिए. थैंक यू, टेक केयर. थैंक यू सो मच, टेक केयर मैम. थैंक यू.